Hello everyone, welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 27th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. Guys, first of all, we have to revise the previous day session with the help of MCQs. So try to answer the questions, and our students like Sabia and Virat, they are doing well and I appreciate their efforts. Question number 1. First, G7 meeting was held in. Yesterday, we discussed about the invitation has been received by the government of India from the G7 presidential country, that is Italy. So, abhi is baar ki jo meeting G7 ki hone wali hai, wo Italy mein hone wali hai. And that's why abhi Italy ne India ko as a invitee jo hai, इन्विटेशन सेंड किया है और ये इंडिया के लिए एक मीन्स रेस्पेक्ट की बात है कि इंडिया अभी G7 की इकोनॉमीज में एक्चुअल मेंबर नहीं है बट हमको क्या मिला है एक क्या बोलते हैं इन्विटेशन तो मिल ही गया है कि हम जो है जाएं उसमें और पार्टिसिपेट करें ऑल्दो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस देन वी विल डिसाइड दैट हू हैव टू ज्वाइन द मीटिंग. So, यहाँ बात कर रहे हैं कि फर्स्ट G7 समिट जो है कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी फ्रांस में. दैट इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट G7 समिट विल बी हेल्ड इन, जो अभी 2024 की द अपकमिंग G7 मीटिंग है वो कहाँ पर होने वाली है. सो अभी जस्ट डिस्कस किया कि इटली से हमको इन्विटेशन आया है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज इटली. The Ukraine Peace Conference to be held on January 15-16 this year. So this will be held in which country? The Ukraine ki peace conference kis country mein hone wali hai? It's in Ukraine, Russia, France ya Switzerland. Dekho in jab bhi is type ke questions ho, especially jab peace conference ki baat ho aur two countries usme jab war pe ho, theek hai, jab unke beech mein conflicts ho, so just make a sense that जब भी पीस कॉन्फ्रेंस की बात होती है तो उन दो कंट्रीज की लोकेशन को चूज नहीं किया जाता मोस्ट प्रोबेबली. तो फ्रांस बिकॉज किसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को. तो किसी ऐसे कंट्री में भी दिस टाइप्स की जो मीटिंग्स होती हैं आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो देखो यूक्रेन हो नहीं सकता, रशिया कैन नॉट बी, फ्रांस बिकॉज ये सपोर्ट करता है यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट में, तो मीटिंग यहाँ पे भी नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई द लोकेशन इज स्विट्जरलैंड. व्हेन यू लुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस देन यू कैन इजीली फाइंड दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन योर एग्जामिनेशंस. क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन, बिकॉज इंडिया का जो है इसमें मेंबरशिप है ब्रिक्स की, उसमें बिकॉज ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इंडिया भी इसका मेंबर है. सो आने वाले टाइम में अभी ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है. सो व्हाट वुड बी इट्स प्लेस, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी ये, इंडिया, चाइना, रशिया या साउथ अफ्रीका? सो द नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन रशिया, रशिया की सिटी में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट अ प्ली दैट वाज फाइल्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट द करंट कॉलेजियम सिस्टम, और उसमें ये डिमांड की गई थी कि कॉलेजियम सिस्टम को फिनिश करके अगेन जो NJAC आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसको रिवाइव कर दिया जाए. आपको अगर ध्यान हो तो उसको रिवाइव कर दिया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इसको रिवाइव करने के साथ साथ इस कॉलेजियम सिस्टम को क्या कर दो, फिनिश कर दो. और उसमें हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस प्ली को पहले ही वापस कर दिया, कैंसिल कर दिया था. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट जो NJAC आया था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था. सो इट केम इन टू इफेक्ट इन बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2014. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे कि NJAC भले ही जो है ऑल्दो इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2014, बट स्टिल इट हैव सम रेलेवेंस बिकॉज इट हैपेंड
इट मेड टू सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था NJAC से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट अ केस दैट इज करंटली गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें बात हो रही थी कि जो रिसोर्सेज हैं उन पर कम्युनिटी का राइट होगा या जो है इंडिविजुअल का राइट होगा। तो इस केस को लेकर के कल हमने डिस्कशन किया था। तो आपको ये बताना है कि ये जो बात इसमें कही गई है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, अब उनकी ओनरशिप हो या उन पर कंट्रोल हो, किस पर, जो मटेरियल रिसोर्सेज है कम्युनिटी के, पूरे समाज के, सोसाइटी के, आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि पूरी सोसाइटी को क्या करें, वो सर्व करें, मीन्स कॉमन गुड के लिए वो काम करें, इंडिविजुअल गुड के लिए काम ना करें। सो कीप इट इन माइंड दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी रिसोर्सेज, नॉट इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो यहाँ आपको फाइंड करना है कि ये कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली दिस इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 39 में ऐसा कहा गया है। आप जानते होंगे कि जो आर्टिकल 39 है वो DPSPs में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। आप कमेंट में बताओ कि आर्टिकल 32 क्या है इसमें, और आर्टिकल 51 इसमें क्या है, और आर्टिकल 51A इसमें क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम ऐसे कुछ आर्टिकल्स, ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं अपने सेशन में, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन टॉपिक्स को आप भी क्या करें, थोड़ा सा सर्च करें, उन पर थोड़ा सा खुद के एफर्ट्स भी लगाएं। सो इट विल मेक टू प्रमोट योर क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली, बिकॉज जो स्टडी है, जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा क्यूरियोसिटी से जो है, ऐसे समझो क्यूरियोसिटी लर्निंग के लिए एक फ्यूल है। तो क्यूरियोसिटी इज द फ्यूल फॉर लर्निंग। तो आपको अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना होगा, तब आप चीजों को बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कल हमने बात की, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन दैट केस। जो भी हमने डिस्कस किया, जो कम्युनिटी रिसोर्सेज वाला केस था, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट या उनके लिए अपियर हुए थे कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपको फाइंड करना है हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज आर वेंकट रमनी, ही इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बाकी ये सब इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि जो स्टेट है वो इस तरीके की पॉलिसी बनाए कि कंट्री में इक्वल वर्क हो, तो उसमें इक्वल पे मिले मैन और वुमेन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल बताइए आप कौन सा है। ऑब्वियसली इट्स आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में ही ये मेंशन है कि जो स्टेट है उसमें उसको ऐसे एफर्ट्स करने होंगे कि इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए फॉर मैन और वुमेन के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अभी एक बहुत ही धमाकेदार आपके साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड EVMs एंड रूल्ड आउट द रिवाइवल ऑफ द बैलेट पेपर। जो अभी काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसकी हियरिंग्स थी, प्रोसीडिंग्स थी, अब उसमें बात चल रही थी कि जो EVM पर है और जो VVPAT है उसको लेकर के बात ये थी। एक तो उनका कंटेंशन ये था पार्टीज का, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, जिसके लिए प्रशांत भूषण अपीयर हुए थे, कि जो EVM है उसको भंग कर दिया जाए और जो पहले बैलेट पेपर होते थे, मीन्स उसको हम पेपर मिलता था ना कि मशीन होती थी, उसके थ्रू पुरानी वोटिंग पैटर्न में हमको पहुंचा दिया जाए। ठीक है, ये था उनका। और उनका कंटेंशन था कि जो VVPAT है, वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रेल,
पेपर जो ऑडिट ट्रेल है उसको 100% जितनी भी ईवीएम है सबके साथ में वीवीपैट लगाया जाए। तो ये इनके कंटेंशन थे, ठीक है। और इन्होंने ये कहा था कि हमको भरोसा नहीं है किस पर, ईवीएम पर, मीन्स हम नहीं जानते, हमें ये मीन्स वी डोंट नो ट्रस्ट दैट ईवीएम। तो ईवीएम पर इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, तब इन्होंने अपने कंटेंशन रेज किए। तो अभी 26 अप्रैल 2024 को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहील्ड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और बोल दिया कि हम पुराने वाली उस कन्वेंशनल मेथड में जो कन्वेंशनल पेपर बैलेट हुआ करते थे उसमें हम वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो रीजन क्या दिए सुप्रीम कोर्ट ने, रीजन बहुत अच्छे अच्छे रीजन हैं इसमें, आप देखिए कि वीकनेस ऑफ द बैलेट पेपर सिस्टम जो सबके लिए वेल नोन है और डॉक्यूमेंटेड है। जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो उसकी बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स थी। एक तो देखो बहुत सारा पेपर खर्च होता है उसमें, ठीक है। दूसरा उसमें क्या है, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है पेपर। और एक बहुत बड़ी बात इसमें होती थी कि बहुत सारे पेपर बैलेट को लेकर के जाते थे और उनकी बहुत जगह पर लूटिंग हो जाती थी। बूथ को कैप्चर करके क्या किया जाता था, वहां से उन बैलेट पेपर्स को छीन करके जो लोकल गुंडे मवाली होते थे उन बैलेट्स पर अपनी पसंद से वोटिंग कर देते थे, ठीक है। अल्टीमेटली अपनी पसंद का उनका कैंडिडेट जो है विक्ट्री उसमें अचीव करता था। तो उसके साथ में बैलेट पेपर के साथ में देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बिकॉज अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास में पॉपुलेशन हमारी हो चुकी है। तो वास्ट साइज ऑफ इंडियन इलेक्टोरेट, जब पॉपुलेशन हमारी इतनी है तो अराउंड 97 करोड़ पीपल है हमारे पास में जो क्या करेंगे, वोट करते हैं। तो आप सोचिए कि हमको कितने बैलेट पेपर प्रिंट करने पड़ेंगे, 97 करोड़, उससे भी ज्यादा हमको प्रिंट करने पड़ेंगे। फिर इनको एक एक जो है बूथ पर इनका ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, है ना। तो द वास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब जब इतने सारे वोटर हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं, तो उनकी भी संख्या लाखों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है। द वास्ट नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स वेयर वोटिंग इज हेल्ड, और बहुत सारे पोलिंग बूथ्स होते हैं, सब पर इतने सारे बैलेट पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करना, उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, प्लस बरसात वगैरह आ जाए तो उस केस में भी उनको जो है सिक्योर करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वुड बी अनडूइंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो जो अभी इतने सारे टाइम से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, अगर हमने ईवीएम को बैन कर दिया तो इट मींस क्या होगा कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो अनडू हो जाएंगे, ठीक है। मींस वापस हम उन रिफॉर्म्स को कैंसिल ही कर देंगे, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ईवीएम ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, तो उन्होंने साथ में ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो ईवीएम की अपनी कुछ बहुत सारी एडवांटेजेस भी है। क्या एडवांटेजेस हैं, आप मेरे को एक दो एडवांटेजेस कमेंट में बताओ कि इसकी क्या एडवांटेजेस है। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें जो वोटिंग है वो बहुत इजी है। देखो बैलेट पेपर में जब बैलेट पेपर डाला जाता था तो बहुत सारे लोगों को उसकी फोल्डिंग नहीं आती थी कि उसको कैसे फोल्ड करना है। मीन्स अगर सपोज करो यहाँ पर आपने वोट डाला और इसको ऐसे करके अगर फोल्ड कर दिया तो इसकी थोड़ी इंक यहाँ पर लग जाती थी, जब इसको बैलेट पेपर को बंद करते थे तो वोट कैंसिल हो जाता था, बहुत सारे वोट कैंसिल थे। जब से ईवीएम आई तब से जो बैलेट पेपर है उस पर जो कैंसिल वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो एरर्स होती थी कैंसिल वाली, वो बिल्कुल बंद हो गए, जीरो हो गए। अब कोई वोट कैंसिल नहीं होता क्योंकि जो बटन आप प्रेस करोगे वो उसी पर क्लिक होगा। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखो ईवीएम्स वर फर्स्ट कब यूज हुई थी, 1982 में यूज हुई थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला में। तो कई बार देखो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इसमें अदर एग्जाम्स में कि सबसे पहले ईवीएम कब स्टार्ट हुई थी, तो 1982 में। कोर्ट ने ये कहा, देखो अब इसमें कोर्ट ने अपने कंसर्न भी रेज किए, ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट। उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ लोग किसी पॉइंट पर, टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, विश्वास कर लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन और क्वेरी, वैसे ही उन्होंने ये कहा कि देखो ये जो लोग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या अपोजिशन पार्टी जैसे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, वैसे ही आप ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट ट्रस्ट जो है कर रहे हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, ईवीएम पर हम अतिका अगर डिस्ट्रस्ट करते हैं, एक्सट्रीम लेवल का अगर हम डिस्ट्रस्ट करते हैं तो ये प्रोग्रेस को रोक देता है। उसमें भी ये उन्होंने ये कहा कि देखो ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि वोटर्स का राइट है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं ईवीएम पर, बिकॉज सबका राइट है, बिकॉज इस ईवीएम के थ्रू वोट हो रही है और ये ईवीएम इलेक्शन के रिजल्ट्स पर अपना एक इम्पैक्ट रखती है, बिकॉज ये ही डिसाइड करती है कि फिर कैसे उसका रिजल्ट आएगा।
लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप क्वेश्चन पूछिए ईवीएम के रिगार्डिंग में, बट देयर इज नीड टू एक्सरसाइज केयर एंड कॉशन। लेकिन आप केयर और एक्सरसाइज जब भी करें, केयर करें, उसका कॉशन करें, मींस अंधे होकर के ऑब्जेक्शंस हैं, एस्पर्शंस हैं, उनको रेज ना करें। और इस पूरी इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी को ही आप क्वेश्चन ना कर दें। मींस आपके पास में प्रॉपर क्या होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपीटेड परसिस्टेंट डाउट्स एंड डिस्पेयर विदाउट सपोर्टिंग एविडेंसेस कैन हैव द कॉन्ट्रेरियन इंपैक्ट ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रस्ट। तो आप अगर केवल डाउट्स रेज करेंगे, डिस्पेयर रेज करेंगे और आपके पास में कोई कॉन्फिडेंस भी कोई एविडेंस भी अगर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो सिटीजन वोट डालने जाते हैं वो हो सकता है कम हो जाए। क्यों? उनको पहले से ही उनके मन में ये हो जाए कि एक्स पार्टी तो भाई जीत ही जाएगी, ठीक है, तो वो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग में वो कम हो जाएगा, सिटीजन का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा इलेक्शंस में। सपोज करो एक्स पार्टी गवर्नमेंट में आ गई वोटिंग के बाद, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या कह सकते हैं कि अरे यार ये तो सब फ्रॉड करके इलेक्शन में जो है जीत करके आ गए, इन्होंने फ्रॉड करके गवर्नमेंट बना ली। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, चुनी हुई सरकार होती है, अगर उसमें लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो डेमोक्रेसी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज एसेंशियल कि जो लोगों का ट्रस्ट है, उनका कॉन्फिडेंस है किसमें, इलेक्शन की प्रोसेस में, उससे वो एसेंशियल है किसके लिए, हेल्दी एंड रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए। इट मींस अगर किसी कंट्री में वहां की इलेक्शन प्रोसेस में लोगों का ट्रस्ट नहीं है तो वो डेमोक्रेसी भी ना तो रोबस्ट हो सकती है ना ही वो हेल्दी हो सकती है। तो कोर्ट ने क्या कहा, अब कोर्ट रिफ्यूज्ड टू पिटिशनर्स, हाँ अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं देखो हम ये चाहते हैं कि जितने भी वीवीपैट हैं सब में से एक रिसीट निकले और वो रिसीट जो वोटर इलेक्शन में वोट डालने जा रहा है उसके हाथ में एक पर्ची आ जाए, एक स्लिप आ जाए, फिर वो उसको देखे कि मैंने जिसको वोट डाला उसी को वोट मिला कि नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले कॉन्सेप्ट को भी, इस डिमांड को भी उनकी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बोला ये भी जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतनी सारी मशीन्स में। आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं ये उनका कहना था। इट फर्दर डिसमिस्ड द प्ली बाय द पिटिशनर्स के फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ईवीएम्स एंड वीवीपैट। बोला जितनी भी वोट हुई, ठीक है, और जितनी भी उसमें से पेपर से स्लिप निकली, बोला उन सारी की सारी स्लिप का अगर हम वेरिफिकेशन करेंगे, उनकी टैली अगर हम करेंगे, एक एक पर्ची को लेकर के टैली करने बैठ जाएंगे, तो इतने करोड़ को उसको कैसे आप टैली कर पाओगे, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी उन्होंने मना कर दिया। व्हाइल वी एक्नोलेज द फंडामेंटल राइट ऑफ वोटर्स टू एंश्योर देयर वोट इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड काउंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नोलेज करते हैं कि सारे वोटर्स का ये राइट है कि उनकी वोट एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो और काउंटिंग में उसका नंबर आए, लेकिन सेम कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द राइट टू 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स और राइट टू फिजिकल एक्सेस ऑफ वीवीपैट। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका ये राइट है कि आपकी वोट एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो, लेकिन आपका ये राइट नहीं है कि सारी की सारी जो स्लिप उसमें से पर्ची निकले सबकी काउंटिंग हो, सबको सारे के सारे जो पीपल हैं सबको पर्ची दी जाए, वो रिसीट दी जाए। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और किया इसी में कि रूल 49 है जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का, तो उन्होंने कहा डिमांड इनकी ये थी पिटिशनर्स की कि इस रूल को और सेक्शन 177 ऑफ इंडियन पिनल कोड मींस इनको क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो, मींस इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो इस रूल को। इस रूल में क्या है, इस रूल में यह है कि सपोज करो कहीं पर कोई इलेक्शन हुए और किसी ने उस इलेक्शन के अगेंस्ट में कंप्लेन की, ठीक है, कंप्लेन की और कंप्लेन बाद में पता चला कि वो कंप्लेन मलाफाइड थी, मींस जो है उसमें इंटेंशन ही बेकार था, उनके पास में कोई एविडेंसेस नहीं थे, बस जो प्रोसेस होती है जुडिशियल प्रोसेस उसका जो है एक मिसयूज करने के लिए उस इलेक्शन पिटीशन को या कंप्लेन को किया गया था। तो ये रूल ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कंप्लेन करता है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, झूठी अफवाह फैलाता है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये जो प्रशांत भूषण या जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि इस रूल को खत्म कर दो साहब, मीन्स कोई भी अगर इलेक्शन जो है पिटीशन डाले
कंप्लेन करे तो उसको कोई पनिशमेंट ना मिले, अगर उनकी जो जो कंप्लेन है अगर वो भले ही विदाउट राइट इंटेंशन हो या वो रॉन्ग इंटेंशन से भी हो या इनकरेक्ट निकल जाए बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस पेनल्टी को हम खत्म नहीं कर सकते। अदरवाइज होगा क्या, फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स और जो है रूमर मिस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में कोई भी फैला देगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस डिसीजन को दिया तो कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए हैं। क्या कोर्ट ने सजेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप कुछ और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उससे वीवीपैट जो है काउंट हो सके, जो पेपर स्लिप्स हैं, बिकॉज ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल और टफ टास्क है। तो बोला इस पर भी आप और R&D करो। मैनुअल काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इज कंबर्शन एट एवरी स्टेप। तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन उन्होंने कह दिया कि जो प्रिंट होकर के बाहर निकल जाती है जो स्लिप होती है उनको सबको काउंट करना बहुत कंबरसम है और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप वैसे ही देखो कि जब आप ATM जाते हो, ATM से कोई एक स्लिप निकलती है ना, अब वो स्लिप अगर करोड़ की संख्या में हो अब उनको कैसे आप काउंट करोगे, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज कुड बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक बार कोड। तो बोला जो सिंबल होता है उसके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बार कोड भी डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू बाद में स्कैन करके उसकी हम मैचिंग कर सकें। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्शन टू इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि जब सिंबल लोडिंग यूनिट्स होती हैं, मींस जब मशीन्स को रेडी किया जाता है इलेक्शन से पहले तो उसमें सिंबल्स को प्रिंट उस पर लगा दिया जाता है और उसके सॉफ्टवेयर में वो सिंबल नंबर के अकॉर्डिंग उसमें अपलोड कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब सिंबल अपलोडिंग हो जाती है तुरंत की तुरंत उन सारी की सारी मशीन्स को सील कर दिया जाए, कोई उनको एक्सेस ना कर सके। और बाद में जब इनको ओपन किया जाता है तो हालांकि अभी तक ये कन्वेंशन है कि जब भी जो वोटिंग मशीन होती है किसी भी बूथ पर जब इंस्टॉल की जाती है तो बूथ पर जो उस पार्टी के उस कैंडिडेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं या हम उनको कहें एजेंट्स जो होते हैं, उनको प्लस वो जो कंटेस्ट कर रहा होता है कैंडिडेट उसको भी बकायदा उसके सामने दिखाया जाता है कि ये लो भाई आप वोट डाल के देखो और जिसको डाला आपने उसी को ये वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहां पर उनको चेक कराया जाता है प्रॉपर। कोर्ट डायरेक्टेड दैट, देखो कई बार ऐसे केसेस भी हो सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उनकी जो मेमोरी यूनिट होती है अगर कई बार वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, फूक जाती है, खराब हो जाती है, तो उसने कहा कि EVM की मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है उनको बुलाया जाए और उन इंजीनियर्स से उसको जो है रिप्लेस करवाया जाए। अगर ये किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी कैंडिडेट को अगर शक है तो वो इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है और पूरी मशीन को चेक करवा सकता है। और इस एक्सरसाइज के लिए उन्होंने कहा कि रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी उस कैंडिडेट को और जब जो वोट टैली वगैरह जो हो जाती है उसके 7 डेज के अंदर आपने उसको अपना जो है कंप्लेन देनी होगी। सपोज करो आज वोटिंग हुई, उसके रिजल्ट आ गए और वो सपोज करो कि 100 वोट से हार गया, उसकी विक्ट्री नहीं हुई, ठीक है, या और ज्यादा वोट से भी मींस उसकी डिफीट हो सकती है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, तो वो क्या कर सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुई है और मैं दोबारा से इसकी काउंटिंग करवाऊंगा, मुझे सब कुछ इसका चेक करवाना है इस मशीन का। तो उसमें क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का DEO जो होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, वो होगा वहां पर और कंपनी के इंजीनियर होंगे वहां पर, उन सबके साथ में मिलकर के उस मशीन का इनफैक्ट इंस्पेक्शन होगा, वो कैंडिडेट भी उसमें होगा, उस कैंडिडेट के सामने उन सबका इंस्पेक्शन करवाया जाएगा एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में। और अगर ऐसा कोई एरर निकलता है उस मशीन में EVM में तो जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। कौन सा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर EVM के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको उसके लिए आपको थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी कंप्लेन सही निकलती है तो पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि आंसर की रिलीज करती है जब अथॉरिटी, उसके बाद आपके कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के कि नहीं यार इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर तो बी होगा, तो वो सारी अथॉरिटीज क्या करती है कुछ पर क्वेश्चन के बेसिस से ऑब्जेक्शन का कुछ 100 रुपीज या 200 रुपीज वो चार्ज करते हैं। साथ में ये ऑप्शन भी देते हैं यदि आपका क्वेश्चन करेक्ट निकला
आपने जो कंटेंशन कंप्लेंट की है वो अगर करेक्ट निकली तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये इसलिए होता है कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे लोग ही इस पर कंप्लेंट रेज कर दें, सारे स्टूडेंट्स ही कंप्लेंट डाल दें सारे क्वेश्चंस पर, तो बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन। तो कंप्लीटली जो ईवीएम है यही आने वाले टाइम में रहने वाली है और बैलेट पेपर नहीं आएगा। नाउ अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अभी डिफेंस मीटिंग हुई है, मींस इसके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अस्ताना। वेयर इज अस्ताना? दैट इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी बात यह हुई कि जो G20 की मीटिंग में इंडिया ने अपना एक स्लोगन दिया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया गया। हाँ, शंघाई कोऑपरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं हम इसी थीम पर इसी अप्रोच के साथ में काम करेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया जो थे उन्होंने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया कि भाई हम एससीओ रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, ये जो रीजन है उसमें पीस स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए हम हमेशा साथ में काम करेंगे। उन्होंने और क्या एम्फेसाइज किया, ही एम्फेसाइज द नीड टू अडॉप्ट अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच। उन्होंने ये कंटेंशन अपना रेज किया कि देखो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं उन सबसे हमारा जो है रिक्वेस्ट है कि वो सारे के सारे कंट्रीज तो जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस का क्या करें, अप्रोच को अपनाएं। तो टॉलरेंस मीन्स हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे किसको, टेररिज्म को। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टेररिज्म है वो पूरे रीजन मीन्स द होल वर्ल्ड उसकी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए कैसा है, वो हार्मफुल है, तो टेररिज्म को हम किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जीरो टॉलरेंस ही रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है, स्टडी से सोलर रेडिएशन फॉर प्रोड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग इन इंडिया। यू नो कि जो सन है, सन से जो रेडिएशन आती है अर्थ की तरफ, तो अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो सोलर पैनल्स हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन रिसेंट रिसर्च जो है, अभी ये रिसर्च आया है किसका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो कल आप इसमें पार्टिसिपेट करें जब BNA में, तो IMD को थोड़ा पढ़ करके आइएगा। इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय साइंटिस्ट। तो इसके साइंटिस्ट ने यह कहा है कि जो सनलाइट अर्थ पर पहुंचती है और अर्थ पर जो हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं उन पर जो लाइट है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, मीन्स उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, कम होती जा रही है। तो सनलाइट है वो प्रॉपरली उन सोलर पैनल्स तक नहीं पहुंच रही है। सो इट्स अ अलार्मिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो इसमें रिसेंट ईयर्स में क्या दिख रहा है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, और ये रिसर्च उन्होंने निकाला है IMD, इनकी एक मैगजीन है जो निकलती है जिसका नाम है मौसम, इस मैगजीन में निकाला। व्हाट आर द रीजंस व्हिच हैज बीन सजेस्टेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन दिस रिसर्च पेपर। सो द फर्स्ट इज व्हाई इंक्रीज, क्या देखो एरोसोल जो एटमोसफियर में बहुत सारे एरोसोल होते हैं या फाइन पार्टिकल फ्रॉम कार्बन एमिशन, जैसे कि कोल प्लांट है, कोल के पावर प्लांट है, वहां से बहुत सारा कोयला जलता है, बर्न होता है, बहुत सारे व्हीकल्स से क्या निकलता है, CO2 निकलता है, उनसे कार्बन निकलता है, गैसेस निकलती हैं, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है जगह जगह पर, जैसे पराली जलाने का आया था कि जो किसान जला देते हैं, या और भी ऐसा कोई भी फॉसिल फ्यूल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उन सब की बर्निंग, डस्ट, बहुत सारी डस्ट उड़ती है वो सब भी, और क्लाउडिंग जो क्लाउड बन जाते हैं, मीन्स इतना सब कुछ मिल करके क्या करता है, ये करता है सनलाइट को, सन की जो रेज है उनको रोकता है, एज ए बैरियर काम करता है उनके अगेंस्ट में। तो जैसे आप खुद देखते होंगे कि अगर जो है स्काई में अगर क्लाउड होते हैं तो सनलाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ इस रिसर्च में द मेन कंटेंशन इज दैट कि एरोसोल्स और आपका फाइन पार्टिकल्स, कार्बन एमिशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डस्ट, क्लाउडिंग, ये सब मिल करके जो सोलर पावर पैनल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन वी नीड टू इंस्टॉल मोर एफिशिएंट सोलर पैनल्स। हमें फिर ऐसे सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो ज्यादा एफिशिएंट हो, कम सनलाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो एरोसोल्स एब्जॉर्ब द सनलाइट। अब काम कैसे होता है,
ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिफ्लेक्ट इट अवे। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो ये हो गया आपका सन, यहाँ से सनलाइट आई नीचे। अब एनवायरमेंट में ऐसे बहुत सारे एरोसोल्स डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है। सनलाइट जब आएगी तो इनसे टकरा करके वापस चली जाएगी, तो अर्थ तक बहुत कम पहुंचेगी, रिड्यूस्ड होकर के पहुंचेगी। तो नीचे जो आपने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं उन पर लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उनकी एफिशिएंसी कम होगी, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो कैसा हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल। सो गाइस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन, समराइजिंग दिस सेशन। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय द सेशन।